क्या दूसरे धर्म के लोग अपने सड़कों पर काम नहीं करते हैं और मुस्लिम 10 मिनट की नमाज पढ़ता है उस पर आपत्ति हो जाती है? इस चीज़ को सोचना चाहिए ना सभी। एक मान लो 5 किलो आटा देने से या 5 किलो अनाज देने से काम कुछ और जाए, कम से कम रोजगार भी तो होना चाहिए, कारोबार भी होना चाहिए। स्वागत है आप सभी का लल्लन पोस्ट पर। जैसे कि 2024 का लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, मतदान का दौर जारी है और 7 चरण में होने वाला मतदान, जैसे कि 7 तारीख में संभल जिले में भी मतदान होना है और इस समय मौजूद हैं यूपी के जिला संभल में। हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है, किसको अपना प्रधानमंत्री नेता चुनने वाले हैं। हम लोगों से बात करने वाले हैं, क्या है उनके मन में। आपका क्या नाम है? गुरजीत नाम है मेरा। जैसे कि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है, मतदान का दौर जारी है, 7 मई को होने वाला लोकसभा मतदान, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम तो ये देखना चाह रहे हैं कांग्रेस को देखना चाह रहे हैं। आप तो कांग्रेस को ही क्यों देखना चाहते हैं? कांग्रेस को ही देखना चाह रहे हैं साहब, 10 साल हो गए बीजेपी से योगी को, कोई यहाँ का वो तो हुआ ना कोई विकास, जो कोई भी विकास होता है या कोई भी कुछ होता है संभल के लिए, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ के लिए, बताइए। मोदी जी तो खूब तारीफ करते हैं कि हमने खूब विकास किया है, तो विकास की कोई चीज़ तो बता में क्या करा संभल के लिए? राशन फ्री देने, बीजेपी के लोग कहते हैं भारत दुनिया के लिए विकास का इंजन बन गया। मेरा राशन से काम कोता चल दिया है, रोजगार से भी तो काम चलता है। यह एक मान लो 5 किलो आटा देने से या 5 किलो अनाज देने से काम कोता हो रहा है, कम से कम रोजगार भी तो होना चाहिए, कारोबार भी होना चाहिए। जब कारोबार ही ना हो तो क्या होगा बताओ? अच्छा, भाजपा के लोग कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने देश को बिल्कुल लूट लिया था, देश बिल्कुल गड्ढों में पहुंचा दिया, हम उसके गड्ढे भर रहे हैं धीरे धीरे, क्या ये सच है? जब वो गड्ढे भर रहा है तो अब लोग क्यों चाह रहे हैं फिर उसे? उसके टाइम पे कभी ऐसी भगमारी नहीं आई जैसी भगमारी अब चल रही है, यह है। चलिए हम दूसरे साथी से बात करेंगे, आपका क्या नाम है? मतलब इस टाइम तो यहाँ पर तो गठबंधन। आपका क्या नाम? तारिक अहमद। किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? इस टाइम तो हम इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। इतनी मजबूती के साथ क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री बने? मतलब ये है, यहाँ पे जो संभल लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जियाउर्रहमान भाई बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं और जो है वही जीतेंगे इंशाल्लाह, हमें तो यही उम्मीद है। यहाँ की आवाम की भी यही आवाज़ है, डॉक्टर भरत साहब के पोते हैं वो, डॉक्टर भरत साहब भी जनता की आवाज़ उठाते थे बेबाक वास्ते, वही भरत साहब के पोते जियाउर्रहमान साहब भी उठाएंगे, हमें ये उम्मीद है। अच्छा, मोदी जी में क्या कमी रहेंगे जो पूरा नहीं कर सके? मोदी जी के अंदर बहुत मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, तुष्टिगढ़ की राजनीति है, 80-20 की राजनीति है उनकी, तो 80-20 नहीं, सबको साथ में लेकर चलें तो जब भी इस देश में कोई हो सकता। अच्छा, वो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। हाँ, विकास की बात करते हैं, हमारे संभल में तो कोई विकास है नहीं ना, यहाँ पे रेलवे लाइन है, रोडवेज है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, यहाँ पे कुछ नहीं है। संभल तो आज भी पिछड़ा हुआ है, वो पिछड़ा हुआ कहलाया जाता, 70 साल में संभल को कुछ नहीं मिला। और लोग कहते हैं कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी का यहाँ पे भी सांसद था और यहाँ जब भी कुछ नहीं हुआ तो बीजेपी को कैसे वोट देते हैं? 5 साल MP रहा बीजेपी सत्तापाल सैनी, वहाँ जब भी कुछ नहीं हुआ संभल में, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं बदलाव के लिए हमारा गठबंधन का जो प्रत्याशी है जियाउर्रहमान भरत साहब यहाँ पर संभल के MP बने, ये। अच्छा, जैसे कि बरेली के मौलाना है, मौलाना साउद्दीन रजवी, वो कहते हैं कि सपा अब मुसलमानों की जगह नहीं रही, अब मुसलमानों को सपा को छोड़ देना चाहिए। जब मुलायम सिंह यादव थे तब मतलब बात सुनी जाती थी, रखी जाती थी, अब जब से अखिलेश यादव ने इसकी कमान संभाली है मतलब मुसलमानों को दरकिनार कर दिया, क्या ये सच्चाई है इस बात में? मतलब ये है, वो तो उनकी अपनी जाति राय हो सकती है, निजी विचार हो सकते हैं, वहाँ संभल के हिसाब से जो ये यहाँ पे बेहतर ऑप्शन है वो जियाउर्रहमान भरत हैं। हम सपा नहीं, इंडिया गठबंधन, सपा के तो कैंडिडेट हैं ही, वहाँ साथ साथ में यहाँ पे जो ऑप्शन है एक बीजेपी का अपोजिट मैन ऑप्शन जियाउर्रहमान भरत हैं, इसीलिए हम उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी सपोर्ट में हैं, और यहाँ की आवाम की भी यही आवाज़ है जियाउर्रहमान भरत यहाँ के MP बने हैं। अच्छा, बीजेपी के लोग कहते हैं भारत दुनिया के लिए विकास का इंजन बन गया है, क्या ये झूठ है या सच है? विकास का इंजन बनता तो यहाँ पे दिखना चाहिए ना, संभल से मुरादाबाद तक जाइए, खोल लेने फिर भी कितने गड्ढे मिलेंगे आपको, तो विकास यहाँ पे कहाँ है? विकास यहाँ विकास होता हम लोग विकास के लिए क्यों कहते हैं ना? यहाँ कॉलेज है, संभल के लोग आज भी साइंस साइड से पढ़ने के लिए मुरादाबाद या बरेली या गजरौला जाते हैं, यहाँ पे साइंस का एक डिग्री कॉलेज तक का नहीं है संभल के अंदर, और यहाँ का जिला अस्पताल है वो सफ़ेद हाथी है, कोई सुविधा नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, ये है, बिना सुविधा शुल्क के तो काम भी नहीं होता जिला अस्पताल में, ये है यहाँ की जन समस्याएं हैं, तो बदलाव के लिए हम लोग वोट देना चाहते हैं। अच्छा, जो मौजूदा सांसद था शफीकुर्रहमान, उनका बदलाव करना चाहते हैं क्या? ना उनका नहीं, वो मौजूदा सांसद तो थे, अब वो एक्सपायर हो गए, अब गठबंधन के प्रत्याशी उनके पोते हैं, तो इसलिए अब ऑप्शन जो है बीजेपी का अपोजिट तो वही ऑप्शन है,
विपक्ष का, मतलब जो सांसद थे उन्होंने कोई काम नहीं कराया ना। काम तो जब उनकी सरकार नहीं रह पाई केंद्र में, एक ऑप्शन नहीं आता केंद्र सरकार, हम बदलाव गठबंधन की सरकार आए केंद्र में तो संभल में विकास होगा ना। मुद्दे तो उठा सकते हैं काम को लेकर। हाँ मुद्दे वो उठा देते, काफी आवाज उठाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, आपने देखा भी होगा उनकी बाइट वगैरह, डॉक्टर वर्ग साहब काफी पार्लियामेंट बेबाकी के साथ आवाज उठाते हैं संभल के लिए। अच्छी तो मुस्लिम प्रत्याशी वो तो काफी आवाज उठाते हैं, जो मुस्लिम मतलब सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो इतनी मुस्लिमों की आवाज़ नहीं उठाते। कर्नाटक में हिजाब मामला हुआ था, उनसे पूछी गई थी आप हिजाब को लेकर क्या कहेंगे, तो उन्होंने झटक कर एकदम कहा था कि आप क्या मतलब सुनाई दे रहा था, लेकिन वो एकदम अनजान बन रहे थे इस बात से। वो उनकी व्यक्तिगत मजबूरियाँ होंगी जो भी होंगी, वो तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो उनका निजी मामला है। मतलब वो कहते हैं मुस्लिम वोट हमारा है, मुस्लिम नहीं है, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं। अब मसला ये है, मैं आपको बताऊं सर, यहाँ पे मैं चीज़ ऑप्शन की बात है, यहाँ देख मजबूरी है वोट देना लोगों को, अब कोई और चीज़ ऑप्शन नहीं बन पाता है तो इसलिए वोट देना पड़ता। यहाँ पे MIM के चेयरमैन है, यहाँ पे ऑप्शन MIM के चेयरमैन बने, तो ऑप्शन था लोगों ने MIM को वोट दिया। अब लोकसभा में MIM नहीं है तो इसीलिए हम जियाउर्रहमान साहब को इलेक्शन लड़ाएंगे, जाहिर सी बात है। अच्छे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं भारत में मुस्लिम सुरक्षित है, आप इसको ले क्या कहेंगे? सुरक्षित हो तो मॉब लिंचिंग होती है, लोगों को मारा जाता है, दाढ़ी के नाम पे मारा जाता है, टोपी के नाम पे पीटा जाता है, दिल्ली में नमाज पढ़ जाता है एक साहब तो उनको पुलिसकर्मी लातों से मार रहा है, तो सुरक्षित है या असुरक्षित है ये बताओ। असुरक्षित है जब भी तो उसे लात मारी गई, और सुरक्षित होता तो वो सेफ्टी करता उसकी, क्या दूसरे धर्म के लोग अपने सड़कों पर काम नहीं करते हैं, और मुस्लिम 10 मिनट की नमाज पढ़ता उस पर आपत्ति हो जाती है। इस चीज़ को सोचना चाहिए ना, सभी को बराबरी से देखना चाहिए। असुरक्षित होता तो कोई बात, यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो जाती है तो विदेशों तक आवाज़ उठती है, जुल्म होता जीवित उठती है, नहीं होता क्यों उठती है, ये सवाल है।